आफाक भाई, अभी जो हम कर रहे हैं ये तो माशाल्लाह बहुत प्यारा लोकेशन है और ये फैसल टाउन फेज़2 का कौन सा सेक्टर है? रिजवान भाई, आपने बड़े अच्छे सवाल पूछे। अक्सर लोग ये कहते हैं कि फैसल टाउन फेज़2 की जो जमीन है ये सारी खुश्की वाली जमीन है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। मगर आप मेरी बैक साइड पे देखें तो ये बहुत प्यारी लोकेशन है। पानी के यहाँ पे 3-4 डैम जो है वो फैसल टाउन के अंदर अल्लाह पाक ने कुदरती बनाए हुए हैं, जहाँ पे पानी ना ख़त्म होने वाला सिलसिला है। तो ये बेसिकली जो एरिया बन रहा है ये सेक्टर जे और सेक्टर आई की बाउंड्री बन रही है। मैं आपको नक्शे के ऊपर भी समझा दूंगा, ये वो बाउंड्री बन रही है। तो इसी एरिया के मैं पहले भी वीडियोस बना चुका हूँ, अगर आप पुरानी वीडियो देखें। तो वो लोग जो गिले कर रहे थे कि सेक्टर आई हम आप नहीं दिखा रहे, तो आज मैं आपको गाइड करूंगा कि सेक्टर आई का I1, I2, I3 कहाँ पे आ रहा है और ये मैप के जरिए मैं आपको कैसे गाइड करूंगा। तो सेक्टर जे पीछे रह जाता है और यहाँ से अनवर्ड जो है ये सेक्टर आई शुरू हो जाता है। अभी आप ये भी सोचेंगे कि आप किस बेस पे कह रहे हैं कि सेक्टर आई है, तो उसकी भी मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ और मैं आपको मैप के ऊपर गाइड करता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। देखिए, जैसे चौधरी साहब हर दफा ये कहता है कि फैसल टाउन फेज़2 के अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा पानी है, हमें पानी की जरूरत ही नहीं है। अक्सर लोग कहते हैं ये पोटोहार जमीन है, यहाँ पे पानी है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे खुश्की है। लेकिन मैं आपको आज की उसकी मिसाल दूंगा और ये मिसाल मैं आपको आज से पहले भी काफी वीडियोस के अंदर दे चुका हूँ। मैं आपको इसलिए बार बार कहता हूँ कि मेरी पुरानी वीडियोस कोशिश करें, देख लिया करें, उससे आपको चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। ये जो मशीनें लगी हुई इसके साथ अगर मैं आपको ये वाला एरिया दिखाऊं, ये तो ये पूरा पानी का एरिया है। ये देखें, ये पूरे पानी का एरिया है। तो शायद मशीनों की शोर भी हो क्योंकि मशीनें यहाँ पे लगी हुई है, तो वो थोड़ा सा उसको बर्दाश्त करें। मेरे पहले की वीडियोस देखें तो मैंने आपको इस पानी के उस साइड की वीडियोस बना के बताया था कि ये फैसल टाउन फेज़2 की बाकब्जा जमीन है और मैंने आपसे ये भी कहा था कि ये पानी बेसिकली बाउंड्री है। अगर ये यहाँ से थोड़ा सा बैक साइड पे मैं आपको दिखाऊं किसी टाइम, अभी तो नहीं, तो मैंने आपको ये कहा था कि ये बेसिकली बाउंड्री है फैसल टाउन फेज़2 की और कैपिटल स्मार्ट सिटी के बीच में ये एक बाउंड्री है। जिस तरह आप आज़ाद कश्मीर जाए नीलम वैली, तो वहाँ पे किरण एक पॉइंट है, वहाँ पे आप जाएं तो पानी से उस तरफ इंडिया है, पानी से उस तरफ जो है पाकिस्तान है। तो सेम इसी तरह ये पानी के इस तरफ पूरा फैसल टाउन है और यहाँ से आगे जाएंगे तो पानी के उस तरफ जो है वो कैपिटल स्मार्ट है। तो चौधरी साहब हर वीडियो में कहता है कि हमारे पास पानी बहुत है, हम फैसल टाउन फेज़2 के अंदर बड़े बड़े डैम बने हुए हैं, तो उसमें कोई शक नहीं, ये बहुत ज़्यादा पानी है। और ये सिर्फ यहाँ तक नहीं है, ये आगे भी गया हुआ है कैपिटल स्मार्ट की तरफ, ये इस तरफ फैसल टाउन फेज़2 की तरफ भी गया हुआ है। और अगर आपको याद हो मैंने एक लेक डिस्ट्रिक्ट की वीडियो बनाई है, वो भी चैनल के ऊपर मौजूद है। तो ये पानी यहाँ से होता हुआ वो लेक डिस्ट्रिक्ट की तरफ, वो सामने एक साइट ऑफिस बना हुआ है, मैं आपको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ये वाला यहाँ तक, बल्कि इससे भी आगे वो पानी जो है वो निकला हुआ है, जाके ओवरसीज और उस सेक्टर की तरफ गया हुआ है। तो ये बेसिकली जो सेक्टर आई है सेक्टर जे के साथ जिसकी जो बाउंड्री है, अब यहाँ पे ये पानी है, नीचे देखेंगे ये पानी है पूरा, इसके साथ जो बाउंड्री है यहाँ पे बेसिकली 80x120 कटिंग है, मतलब जो प्लाट है वो 80x120 है, शायद किसी को मिले होंगे, नहीं मिले होंगे। और ये I सेक्टर 1 है, ये I1 है, इसके बाद I2, I3, I4 वो फिर इस तरफ बनता है पीछे करके, ये थोड़े से मोटरवे वाली साइड पे जितने बन रहे हैं, बल्कि ये जो पूरा एरिया है ना ये I1 है, इसके बाद फिर I2, I3, I4 आगे थोड़ा होता हुआ वो मोटरवे की तरफ, बट मोटरवे भी वो सामने ही है, अगर आपको शायद क्लियर नजर ना हो वीडियो में, बट वो सामने ही है। तो ये सेक्टर आई वालों के गिले शिकवे जो कह रहे थे कि आफाक भाई सेक्टर आई जरा हमें दिखाएं कि 1, 2, 3 कहाँ पे आ रहा है, तो ये 1 यहाँ से स्टार्ट होता है, इसके बाद 2, 3, 4 वो जाके आहिस्ता आहिस्ता आराम आराम से वो मिलता है मोटरवे के साथ। तो ये आज की बहुत डिटेल इंफॉर्मेशन आपके लिए, सबके लिए जिनके गिले शिकवे थे कि फैसल टाउन में कोई काम नहीं हो रहा, यहाँ से हद से ज़्यादा मशीनरी लगी हुई है, लेकिन यहाँ से जूम करूँगा तो क्लियर नहीं होगा, और ऑलरेडी पिछली वीडियोस में सारे मैंने आपको दिखा चुका हूँ। तो अभी भी कह रहा हूँ कि जिन लोगों के पास फाइल्स हैं वो ना बेचें, जो लोग अभी भी सोच रहे हैं वो गलती करें, टाइम पे अपनी बुकिंग करवाएं, टाइम पे अपनी प्लॉट जो है इसमें से बुक करवाएं। ठीक है, शुक्रिया, खुश रहें, आगे बढ़ते हैं।